गाइस मैं हूं अमित और ये है सोडियम मेटल। दोस्तों आपको पता होगा कि जो सोडियम मेटल है वो पानी के साथ में कैसी रिएक्शन करता है। ये चीज जब पानी के साथ मिलती है तो भाई साहब धमाका हो जाता है, खतरनाक वाला। आपने अक्सर देखा होगा, आप अपने साइंस की बुक में भी पढ़ा होगा। लेकिन हमने सोचा कि अगर जो पानी है वो लिक्विड स्टेट में ना हो करके उसकी दूसरी स्टेट में रहे तो क्या ये रिएक्शन करेगा? करेगा तो कैसी करेगा? और दूसरी स्टेट से मेरा मतलब है सॉलिड स्टेट में, यानी कि सॉलिड पानी से अगर सोडियम को मिलाया जाए तो क्या होगा? अपने आप में एक सोचने वाली बात है ना। तो यहां पर हमारे पास में बर्फ की पूरी सिल्ली, सॉलिड पानी बर्फ ही होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इस बर्फ की सिल्ली के साथ में सोडियम की रिएक्शन देखेंगे, इसमें एक छोटा सा गड्ढा करेंगे और उसके बाद में सोडियम डालेंगे। और गाइस ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये यार काफी डेंजरस हो सकता है। तो प्लीज मैं आपको बोल रहा हूं कि प्लीज डोंट ट्राई एनीथिंग शोन इन दिस वीडियो, क्योंकि सारी चीजें जो है वो हम बहुत ही ध्यान से करेंगे और ये जो केमिकल है, ये जो मेटल है सोडियम, ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है अगर इसको सही से हैंडल नहीं किया जाए। तो फटाफट से शुरू करते हैं। आप लोग तो वीडियो के लिए लाइक बटन जरूर से ठोक देना। दोस्तों यहां पर ग्लव्स पहनना बड़ा ही जरूरी है क्योंकि सोडियम के साथ डील हो रही है। तो गाइज इस डब्बे के अंदर है सोडियम, आपको दिखाते हैं पहले तो सोडियम कैसा होता है। मैंने बर्फ के ऊपर ही रख रखा है, लेकिन जब तक ये कांटेक्ट में नहीं आएगा डायरेक्ट तब तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस पन्नी के अंदर मिलता है जो कि ऑयल में भीगी हुई है, यानी कि जो सोडियम है ना उसको ऑयल में भिगो कर रखा जाता है। अगर ऑयल की लेयर इसके ऊपर ना हो तो ये जो है सीधा हवा से रिएक्ट कर जाएगा, एयर से रिएक्ट कर जाएगा और खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर गाइज ये है एक सोडियम मेटल का पीस, आपको अभी जो दिख रहा है वो है ऑक्साइड्स बेसिकली, क्योंकि जो सोडियम मेटल है वो हवा के कांटेक्ट में आकर के खराब हो जाता है और अंदर इसमें सोडियम है, बाहर एक पतली सी लेयर होती है और इसके ऊपर देखो चिकना चिकना हो रखा है। उसका रीज़न यही है कि इसकी प्रोटेक्शन के लिए जो है इसके ऊपर ये लेयर लगाई गई है ऑयल की, पूरा ऑयल से में भीगा हुआ है। तो अब जो है इसको तो रखते हैं गाइस, ये तो बाद में निकलेगा, इसको करते हैं बंद, अब कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमारी बर्फ की सिल्ली है ना इसमें एक छेद कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे रखेंगे तो फिसल जाएगा, ढंग से कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। इसके अंदर डाल लेते हैं गड्ढा खोद के, और भाई ज़्यादा भी नहीं मारना ताकि जो बर्फ़ है वो फूट भी ना जाए, नहीं तो जोर से झटका मारा पूरी टूट जाएगी एक साथ। बड़ा ही धीरे धीरे गड्ढा करना पड़ेगा। गाइज यहां पर मैंने सोडियम निकाल लिया है और यहां पर जो गड्ढा है वो बर्फ में एकदम बढ़िया से हो गया, आप लोग देख सकते हो काफी गहरा हमने किया है। अब दोस्तों सिंपली मैं इस बॉक्स को तो रख देता हूं इससे काफी दूर और यहां पर इसमें सोडियम डालूंगा और भग जाऊंगा बिल्कुल बिना वेट किए। और ये जो है मुझे नहीं पता क्या करेगा, सब लोग ध्यान से रहना, ठीक है। ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, बर्फ है ये, पत्थर की तरह आ सकती है अगर टूटेगी तो। इन 3 2 1 गो, हट जाओ दूर, हट जाओ सब। अगर कुछ नहीं हुआ क्या? ओए, उत्तरी गाइस ये रिएक्शन कर रहा है, आग लग गई। ओ वाह शिट, आग लग गई। ओ वाह शिट भाई साहब, यहां पर जो है एक बार उधर दिखाना, देखो गाइस पूरा बादल बन के गया है, यहां से पूरा बादल गया है, इतना जबरदस्त धमाका हुआ और इतना पावर था इसके अंदर, किसी को लगी तो नहीं? इतना पावर था इसके अंदर कि जो बर्फ की सिल्ली है उसके दो टुकड़े हो चुके हैं यहां पर।
अबे यार इतना तो मैंने भी नहीं सोचा था कि ये ऐसे हो जाएगा। और ये कम से कम भी नहीं मानो तो 40-50 फीट गया होगा, मुझे लगता नहीं किसी कैमरा ने ये रिकॉर्ड किया होगा ना। आया कैमरा में जाते टाइम का तुरंत से। हाँ वही बात है ना यार गाइस, क्योंकि हमको पता ही नहीं था ये कहाँ जाएगा यार ये। लेकिन आप लोग देख सकते हो जो बर्फ़ है, अब इसमें सोडियम तो नहीं है ना, वैसे रहना नहीं चाहिए। आप देख सकते हो कि इसके जो है दो टुकड़े हो चुके हैं। इतनी मोटी जो बर्फ़ की सिल्ली है एक झटके में सोडियम के टुकड़े ने तोड़ डाली। गाइस देखा आपने कितना ज़्यादा पावर है इसके अंदर, खतरनाक था ना। तो भाई साहब प्लीज़ ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना, हम लोगों का काम है आप लोगों के लिए क्रेजी एक्सपेरिमेंट्स करना और हम वही कर रहे हैं, ये हमारा काम है। लेकिन आपका नहीं है, आपका काम क्या है मैं बताता हूँ। आपका काम है इस वीडियो में अगर आपको मज़ा आया तो लाइक करना, मज़ा तो आया है तो भाई लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और मज़ेदार वीडियोज़ के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।